वेलकम बैक द न्यू एपिसोड। आज की ब्लॉग स्टार्ट करते हैं भोलेनाथ के नाम के साथ। गौर से गंगा जल भर के दिल्ली लेके जाएंगे, तो यहीं से अपनी ब्लॉग स्टार्ट कंटिन्यू करते हैं सेकंड एपिसोड। अगर आप लोगों ने पहला वाला एपिसोड नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके देख लें। यहाँ पे देखोगे ना हर की पौड़ी पे भाई कितनी सारी भीड़ है, मतलब यहाँ पे जो ना भाई प्यार रखने की तो जगह है नहीं। जैसे देखो मतलब भीड़ अभी इतना ज़्यादा है ना, और गंगा जी का पानी भी देखोगे ना, अगर बीच में भी चले जाओगे ना तो भाई कोई यहाँ पे ज़्यादा वो पानी नहीं है, मतलब आराम से ना नहा सकते हैं। आगे से जो भाव है ना बहुत ही ज़्यादा कम कर रखा है, तो भाई यहाँ पे नहाने में बहुत मज़ा आ रहा है। तो मतलब थोड़ी देर में यहाँ से हम अपना जल लेके निकलने वाले हैं। यहाँ पे जाने से पहले गंगा जी में थोड़ा सा मस्ती कर रहे थे। क्या कर रहे थे आप लोग? ये बोले जो है ना अपने साथ क्या कर रहे वीर बजरंग हर हर महादेव, क्या कर रहे थे? करो ये देखो हमारे पवन बोले वो कैसे डुबा रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे पानी का भाव जो है ना बिल्कुल नॉर्मल है, तो इसलिए ना सब मस्ती से नहा रहे बिना चेन पकड़े। डुबा दो अंडरटेकर की तरह पटकी मारे पटकी। तो गाइस हरिद्वार से दिल्ली के लिए निकल गए हैं जल लेके। अब हम जल लेके कल तक पहुंचेंगे, और ये जल हम अपने घर के शिव मंदिर के पास चढ़ाएंगे। एंड कल से ही ना एक हमारे साथ सीन ये हो गया कि देखो जो हैंडल हिल रहा है ना, मेरे बाइक का जो अगला वाला टायर है ना वो पिंचर हो गया पता नहीं कैसे। जो मेरे पीछे पवन भाई बैठे हुए थे उसको मैंने किसी दूसरे बाइक पर शिफ्ट कर दिया। एंड अभी मैं देखता हूँ कहाँ तक मिलता है पिंचर वाला, कहाँ तक नहीं। बाकी ये देखो भाई कवर ये का ना कितना ज़्यादा वो है भाई, मतलब ये तो डाक वाले है, और डाक वाले अभी ना डाक वाले ज़्यादा दिखेंगे, और जो पैदल यात्री है ना वो थोड़े से आगे मिलेंगे, क्योंकि उनको ना जल्दी से पहुंचना होता है। और हम तो अभी यहाँ से निकल रहे हैं, कल तक पहुंचेंगे देखते। और बाकी मेन जो है ना हमारा बस ये पिंचर है या हवा निकल गया है वो उसका देखते हैं कि कहाँ पे मिलता है भाई, जब मैं बाइक आगे सही से चला पाऊँगा, नहीं तो ये बाइक जो है ना भाई चलेगा ही नहीं। 20-30 के स्पीड में चलेगा, वो भी हिल हिला के। ऐसा करते करते ले जाने पर टायर वायर ना फट जाए मेरा। तो बोले बाबा कहीं दिखला दो पंचर की दुकान, टन न देख रहे हो गाना भी बना दिया बैठे बैठे। बोले बाबा दिखा दो कहीं पंचर की दुकान। सुबह 4-5 किलोमीटर चलने के बाद ही पिंचर वाले भैया की दुकान दिख गई थी। पिंचर तो लगवा लिया, जैसे पिंचर लगाने के बाद पैक किया ना वैसे ही फुस हो गया। उसके बाद भैया ने बोला कि टिकेगा नहीं पिंचर इसमें टिके, उसके बाद भैया ने बोला कि इस ट्यूब में पिंचर टिकेगा नहीं, तो ट्यूब चेंज करवा दिया फिलहाल। एंड अब छुट्टी हो गई चलो पिंचर की, तो नई ट्यूब डल चुकी है। एंड गाइस निकलते हैं भोलेनाथ के नाम के साथ, तो सारे बोलो हर हर महादेव। महादेव आ रहे हैं हम अपने घर के शिव मंदिर पे जल चढ़ाने के लिए। अभी तक भाई यहाँ से मतलब मेरठ वाले रोड पे ना इतने सारे कावड़िया दिखेंगे, और मतलब इनके साथ चलने में भी ना मज़ा आता, और जितने भी ट्रक है ना सब डीजे वाले हैं, और डीजे नाचते हुए जाने में तो और भी मज़ा आता है। ओहो भोलेनाथ, पूरे साल में इसी टाइम का तो मेरे से इंतज़ार होता है, जो कि जिससे कि मैं बहुत ही ज़्यादा खुश होता हूँ इस वाले मंथ पे। एंड देखते हैं रात को कि डीजे बैटल देखने को मिलता है या नहीं, क्योंकि आज है 15 तारीख और कल है 16 तारीख, इसलिए जो है ना कि ज़्यादा भीड़ नहीं है। अगर एक दिन जल होता ना तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ होता है। 2 दिन जल है ना इसलिए थोड़ा सा भीड़ कम दिखने को मिल रहा है इस टाइम पे। बाकी बहुत सारे कावड़िया तो निकल के आगे, और हम भी निकलते हैं भोलेनाथ आ रहे हैं हम, जल्दी से बुला लो दिल्ली। सामने से देखो भाई कैसे पानी फेंक रहे हैं कावड़ियों के लिए। तो कावड़ियों के लिए ना बहुत सारा व्यवस्था होता है भाई यहाँ पे ना, अपने जो उनका ग्रुप होता है ना पूरा, पहले ये बंद कर देते हैं, जो इनका ग्रुप होता है ना भाई अपने ट्रक में ना पूरा जाने का ना सामान ले जाता है, एनर्जी के लिए दूध पानी फ्रूटी ये सब लेके जाते हैं सारे कावड़िया ट्रक में भर के, ताकि उनके कावड़ियों को ना तकलीफ ना हो ज़्यादा। अब अभी डांस करने का मन ही कर रहा बहुत ही ज़्यादा, बस कहीं सारा ग्रुप जब इकट्ठा हो जाएंगे ना तब डांस करेंगे भाई, बहुत मस्त वाला भयंकर वाला। मस्त वाला तो डांस आता नहीं है, लेकिन जो भी है ना बोले के गाने पे तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही वो क्या बोलते हैं, बहुत ही अच्छे। जब बोले का गाना चलता है ना तो डांस अपने आप ही निकल जाता है, तो जो भी डांस आता है ना वो करूँगा भाई, मतलब गाने चलता है तो भाई नाचने का बहुत ही ज़्यादा मन करता है। फिलहाल अभी सारे एक हो जाते हैं, उसके बाद डांस करने का प्लान बनाते हैं। उत्तराखंड में आया था, सोचा था फ्रेश हवा मिलेगा बिना पोल्यूशन के रहूँगा वहाँ पे, यहाँ पे देखो भाई यहाँ तो दिल्ली वाला ही सीन हो रहा है इतने से। ये थोड़ा सा मजाक चलते चलते मिल जाता है ऐसे ऐसे थोड़े थोड़े बहुत।
हमारा जो ग्रुप है ना गाइस, वो तो सिर्फ बाइक पे जल लेके जा रहे हैं, एंड जो हमारे उधर के और भी जो ग्रुप है ना, वो ना डाक कावड़ लेके जा रहे हैं, तो वो ना हमें रास्ते में मिल चुका है। बस मेरे से ना बस 8-10 किलोमीटर आगे है, बाकी लोग तो ज्वाइन हो गए, हम दो रह गए बस। उसके बाद हम भी ना डाक के साथ चलेंगे घर तक डांस करते हुए पूरे मस्ती में गाइस, पूरे मस्ती में। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है डीजे के पीछे नाचते हुए जाने में। भाई डाक वाले क्या चलाते हैं यार, कहीं भी बोर्ड देते हैं। We'll be right back.
चंदनम